वेलकम टू जायका हमारी रसोई। आज हम बना रहे हैं चिकन भुना रोल। चिकन भुना रोल के लिए यहाँ पे मैंने बाउल में 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। और इसमें हम वन टेबल स्पून से थोड़ा कम हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे एंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम। हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे एंड 1/2 लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे। ज़रा मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें 1/2 लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे। लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे हम। इसे हम अच्छे सा मिक्स देंगे और आधा घंटे के हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेशन का टाइम पूरा हो चुका है। यहाँ पे पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें 1/2 चॉप्ड अनियन मैं ऐड करूँगी। लगभग 2 टेबलस्पून अनियन है ये हल्के। जब ये अनियन थोड़ी सी पिंकिश ब्राउन हो जाएगी, इसमें हम मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारी अनियन सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 मिनट मैंने अच्छे से इसे कुक किया है। अब हम इसमें मैंने मीडियम साइज टमेटो लिया था, जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, उसे हम प्यूरी बना के ऐड करेंगे। इसे अच्छा सा मिक्स देंगे हम। ये देखिए, जैसे इसमें बबल्स आने लगेंगे, हम इसको कवर करके 10 मिनट्स और कुक करेंगे। उसके बाद हम अपने चिकन भुना रोल को रेडी करके आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा चिकन भुना रोल की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इतना हमें ड्राई अप करना है इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम रोल रेडी करते हैं इसके। यहाँ पे स्टफिंग के लिए मैंने एक अंडा लिया है बाउल में। इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके इसे अच्छे से बीट करके रख लेंगे। एग को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। एकदम से ऑमलेट कुक हो चुका है। अब इसमें टर्न करके इसे निकाल के रोल की तैयारी करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे चिकन भुना रोल की सारी चीज़ें रेडी हैं। यहाँ हमारा डो रेडी है, हमारी ग्रीन चटनी रेडी है, ऑमलेट मैंने रेडी कर लिया है, चिकन तैयार है बिल्कुल। डो के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसमें सिर्फ नमक और ऑयल के साथ मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। बहुत सॉफ्ट डो रेडी किया है मैंने। और अगर आपकी इसकी वीडियो देखनी है तो आप बेहतर रोटी की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सेम डो है दोनों का। इस डो को अच्छे से गूंदने के बाद 2 घंटे हम रखते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने हमारी बेदर रोटी की वीडियो देखी हो तो। 2 घंटे रखने के बाद इतना सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके बॉल्स रेडी करेंगे, उसके बाद इसकी रोल्स रेडी करेंगे। ये देखिए, आप इतना सा बॉल ले सकते हैं रोल के लिए। अब हम थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे मार्बल टेबल पे, पतला सा इसको बेलना है हमें। एकदम पतला हमें बेल रोल करना है इसको। ये देखिए, मैंने इतना पतला रोल किया है कि हमारा मार्बल टेबल भी दिखाई दे रहा है। अब हम इसे बीच में से कट करेंगे। 90% तो सिमिलर रेसिपीज है जो हमें स्ट्रीट फूड में मिलता है। अब हम इसमें
ऑमलेट रखेंगे, चिकन भुना रखेंगे अब हम इस पे। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, अनियन स्लाइस करके रखी थी मैंने, इसको हम ऐड करेंगे इसमें। स्लाइस हमने रख दी है, अब हम इसे रैप करेंगे। देखिए जैसे रैप हो गया, एक चिकन भुना रोल रेडी हो गया है। अब सेकंड हम आपको वो भी दिखा देते हैं। अब हम इसे शैलो फ्राई करते हैं। देखिए कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया था, अब हम इसे चिकन भुना रोल को ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे, रोल करते चारों तरफ से, हम ईच साइड से हम इसे ब्राउन कलर कर देंगे। फ्लेम हमने स्लो कर दी है, ये देखिए एक साइड से क्रिस्पी ब्राउन हो गया, मैंने इसे टर्न कर दिया है। अब ऐसे ही चारों तरफ से हम इसे कलर देंगे और इसे मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए आज की हमारी रेसिपी चिकन भुना रोल बिल्कुल रेडी है और कितने क्रिस्पी और ब्राउन करके मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाला है। आप इसे केचप के साथ, ग्रीन चटनी है, अनियन रिंग साथ सर्व करें। ये देखिए मैंने कट करके भी इसको रखा है, आप देख सकते हैं अंदर से कितना जूसी लग रहा है और ये बहुत ही यमी बना है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।